ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ब्लॉग में डाल दे आपको एकदम। ये बच्चे पोस्टिंग जाते हुए समझ सकते हो आप। और ये कॉलेज बस, और यहाँ पे एंट्रेंस गेट होता है। एक बार GoPro ले ले लूंगा मैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे बिलिंग काउंटर है और सुशीला तिवारी जी की स्मारक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगी है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन करके आए हैं एक पेशेंट का, लेबर रूम से, चेतन जोशी। यहाँ पे बच्चे डिस्कशन करते हुए कि क्या बोलना है मैम के सामने, देख सकते हो आप। ये चेतन जोशी पूछ रहे हैं कि उनका पेशेंट का नाम क्या था, ये वो सब कुछ पूछते हैं। और ये हर्ष बेस्ट है और इन्हें भूख लग चुकी है, क्या करें, थोड़ा डाइट जाता है तो क्या कर सकते हैं, जल्दी भूख लग जाती है उनको। और ये कुछ पूछ रही है अच्छी, इधर देखिए कृपया करें, दीदी बाक्षी, कोई दिक्कत, आप यहाँ मुड़िए। ये एग्जामिनेशन करके आई, आपने क्या सीखा वहाँ पे, कितने टाइप के एग्जामिनेशन टाइम पे, कैसे कैसे करा आपने, कौन कौन सा मैन्यूवर लॉ लगाया तुमने, बताओ। ये देख रहे हो यार, बता भी नहीं रहे एंकर। अच्छा, ये आस्था पूछ रही है कि मैम ने क्या पढ़ाया, क्योंकि हमें भी थोड़ा जानना है उनके बारे में, क्योंकि हम उस दिन अपसेंट थे तो आए नहीं थे उस दिन। अभी हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है मैम के सामने इनको। कौन प्रेजेंट कर रहा है हिस्ट्री, तू तू प्रेजेंट कर रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन प्रेजेंट कर रहा है, हिस्ट्री कौन प्रेजेंट कर रहा है। मैं तो गया भी नहीं, पेशेंट का नाम भी नहीं पता मुझे तो। चेतन जोशी काफी गहन विचार में है कि करना क्या है, देख सकते हो आप। कि इन्होंने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं कि ये सबको बताया जा रहा है कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। क्या आपने फाइनल ईयर पास कर लिया है, क्या आप करने वाले हो, क्या आप, इधर देखो ये जयपुर के किले घूम के आई हैं। मैं नहीं बताऊंगा कौन घूम के आई है, स्माइल तो चेहरे पे दिखी जाएगी, देख सकते हो आपको।